वन प्रभाग के तिनकोनिया रेंज के कुसमही जंगल में अनाधिकृत रूप से प्रवेश करने वाले व्यक्तियों को रोकने के लिए मुख्य मार्ग पर वन विभाग द्वारा प्रवेश निषेध का बोर्ड लगाया गया है, जिसके संबंध में डीएफओ विकास यादव ने बताया कि पिछले कुछ दिनों से सूचना प्राप्त हो रही थी कि कुसमही जंगल में अनावश्यक रूप से लोग प्रवेश कर रहे हैं और इसका फायदा अपराधी तत्व के लोग उठा रहे हैं। उन्होंने बताया कि जंगल के जितने भी बिना आवश्यक रूप के प्रवेश मार्ग हैं, वन विभाग द्वारा उन मार्गों को बैरियर के माध्यम से बंद किया जाएगा तथा इसके साथ ही सभी मार्ग पर चेतावनी वाला बोर्ड भी लगा दिया गया है कि जंगल में प्रवेश करना मना है। उन्होंने कहा कि जंगलों में गश्त के लिए फॉरेस्ट कर्मियों की ड्यूटी भी लगाई गई है। अगर अनाधिकृत जंगल में प्रवेश करने वाले लोग पाए जाते हैं तो उनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी, जुर्माना वसूल के साथ जेल भेजा जाएगा तथा साथ ही साथ अनाधिकृत वाहन जंगल में प्रवेश करते हुए पाए जाते हैं तो उसे जब्त कर लिया जाएगा। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए डीएफओ विकास यादव ने कहा कि अभी का पिछले कुछ समय से लगातार हमें खबर मिल रही थी कुसमही जंगल में जो है लोग अनावश्यक रूप से प्रवेश कर रहे हैं, और जो लोग अनावश्यक रूप से प्रवेश कर रहे हैं तो उनका इसका गलत फ़ायदा कुछ और लोग उठा रहे हैं, क्योंकि जंगल घना है और उसमें अगर बिना परमिशन के कोई प्रवेश करता है, कुछ लोग प्रवेश कर जाते हैं तो उस वजह से जो कुछ लोग जो अपराधी तत्व हैं वो उसका गलत फ़ायदा उठा रहे हैं, तो इसमें क्या अपराधी घटनाएँ बढ़ती जा रही थी। तो इस संबंध में हम लोगों ने एक समुचित कार्रवाई करने के लिए एक प्लान बनाया है, और इस प्लान का चार अहम बिंदु हैं। पहला बिंदु यह है कि इसमें जितने भी प्रवेश मार्ग हैं जो कि आवश्यक नहीं हैं और वन विभाग अपने प्रयोजनार्थ उसको इस्तेमाल करता रहा है, तो उन मार्गों को हम लोग बंद कर देंगे। बंद करने का एक तो सुरक्षा खाई हम लोग खुदवा रहे हैं, दूसरा उसमें बैरियर लगवा रहे हैं। जो अति आवश्यक मार्ग हैं किसी गांव के लिए जा रहे हैं वो लोग वो मार्ग यथावत खुले रहेंगे, लेकिन जो ऐसे मार्ग हैं जिनका आम जनता उपयोग किसी भी तरह से नहीं करती है उसको हम लोग बैरियर लगा के बंद करवा देंगे। पहला ये हम लोगों ने काम किया है ताकि अनावश्यक रूप से कोई प्रवेश ना कर पाए, और इसी को बताने के लिए जितने भी हमारे प्रवेश मार्ग और मुख्य बिंदु हैं उन पर हम लोगों ने एक चेतावनी वाला बोर्ड लगा दिया है कि जंगल में प्रवेश करना अपराध है और अनाधिकृत प्रवेश के लिए जो है जुर्माना भी लगाया जाएगा। तो दूसरा काम हम लोग ये कर रहे हैं। तीसरा काम हम लोगों ने जो किया है, हम लोगों ने एक उड़न दस्ता एक बनाया है जो लगातार गश्त कर जंगलों में करता है, और जो भी अनाधिकृत प्रवेश करने वाले लोग पाए जाते हैं उनके ऊपर कार्रवाई की जा रही है, जुर्माना वसूला जा रहा है और जेल भेजा जाएगा। साथ ही साथ ऐसे जो वाहन जो अनाधिकृत रूप से जंगल में प्रवेश करते हुए पाए गए उसको जब्त कर लिया जाएगा। तो मैं आपके माध्यम से भी सभी लोगों को ये बात कहना चाहता हूँ, समझाना चाहता हूँ कि इस तरह की गतिविधियाँ ना करें जंगल में, अनाधिकृत प्रवेश ना करें, अन्यथा की दृष्टि में जो है आपके खिलाफ जुर्माना जेल और वाहन जब्तीकरण की कार्रवाई की जाएगी। और इसमें हम लोग चौथा बिंदु जो है प्रशासन और पुलिस का पूरा सहयोग ले रहे हैं ताकि इस जो मुहिम हम लोगों ने चलाई है उसको व्यापक तौर पर कार्रवाई की जा सके, और जंगल में प्रवेश अगर लोग नहीं करेंगे, अनाधिकृत प्रवेश नहीं करेंगे, तो अपराध की घटनाएँ स्वतः ही कम हो जाएंगी और इस तरह के अपराध नहीं होंगे।